You're watching Clifton TV Network and I'm your host Ali Khan. अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में खाने के लिए चावल ना होने पर शिकारी जहरीला कोबरा सांप खा गए और दूसरी खबर है सदर ट्रंप का साल के आखिर तक कोरोना वैक्सीन तैयार करने का दावा तीसरी और आखिरी खबर यह है दुनिया का पहला स्मार्ट यूवी एयर कूलर अब हकीकत बन गया इन सब की तफसील मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा बर मेहरबानी आखिर तक वीडियो देखिएगा तो आइए शुरू करते हैं वाशिंगटन से यह न्यूज है दुनिया का पहला अल्ट्रा वायल्ट स्मार्ट कूलर अगले माह तक पहुंच सकेगा जिसे इंटरनेट पर क्राउड फंडिंग के बाद तैयार किया गया है। हम जानते हैं कि अल्ट्रा वायल जरासीम को पाक कर सकती हैं और नेक फैन अल्ट्रा के अंदर अल्ट्रा हवा भेजता है वो हर तरह से जरासीम से पाक इसके अलावा ये नेक फैन अल्ट्रा सर्फ चंद सेकंड में ही ठंडी और फरत फरहत हवा फेंकना शुरू हो जाता है एयर कूलर के मजीद ख्वास से पहले ये जान लीजिए कि इसे उठाकर आप कहीं भी ले जा सकते हैं वह दफ्तर हो या पार्क क्योंकि इसमें दस हजार एम ए एच का पावर बैंक मौजूद है इस पावर बैंक की बदौलत रूम कूलर 12 घंटे मुसल चलता रहता है जैसे ही आप नेक फैन अल्ट्रा को ऑन करते हैं चंद सेकेंडो में 5 दर्जे सेंटीग्रेड तक ठंडा हो जाता है इसे घर पर यू एस बी ऐसी भी चार्ज किया जा सकता है ये भी न्यूज वॉशिंगटन से है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है की राम बरस के आखिर तक अमरीका कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर लेगा अमरीकी नशरियाती इधारे फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है की अमरीका इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर लेगा सदर ट्रंप का ये दावा इस वक्त सामने आया है जब हाल ही में इन्होंने खुद वैक्सीन की तैयारी के लिए फंड की कमी आरोप तशवीश का इजहार किया था सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी इंकशाफ किया है की एक मोहतात अंदाजे के तहत कोरोना वायरस वबा में एक लाख ऐसी जायद अमरीकियों की जाने चली जाएंगी कबल अजी अमरीकी सदर ने इस हवाले ऐसी दावा किया था की कि इस मोलक वायरस ऐसी अमरीका में साठ हजार ऐसी ज्यादा अफराध हलाक हो सकते हैं अमरीकी सदर ने कोरोना वायरस के फैलाव का इल्जाम एक फिर चीन पर आयद करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के, के दुनिया भर में फैलने और इसकी वजह से आलमी मत की तबाही का जिम्मेदार चीन है इससे पहले सदर ट्रंप ने यह भी कहा था की चीन ने इन्हें इलेक्शन हरवाने के लिए कोरोना फैलाया वाजे रहे की कोरोना वायरस वबा ऐसी सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अमेरिका है जहाँ इस वायरस ऐसी हलाक होने वालों की तादाद सत्तर हजार ऐसी भी ज्यादा हो गयी है जबकि एक लाख ऐसी ज्यादा अमेरिकन इस वायरस ऐसी मुतािर है तीसरी और आखिरी खबर है भारत ऐसी नई दिल्ली भारत रियासत अरुणाचल प्रदेश में शिकारी भूख मिटाने के लिए जहरीले कोबरा सांप को शिकार करके खा गए भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत अरुणाचल प्रदेश में गुवाठी के एक गांव में चार शिकारियों को भूख सताने लगी और लॉकडाउन की वजह से खाने के लिए कुछ दस्तियाब नहीं था जिस पर शिकारियों ने जंगल का रुख किया और जहरीले सांप को पकड़ लाया याद रहे कि ये जो सांप उन्होंने खाया है ये जहरीला कोबरा सांप था कोबरा को मारने के बाद शिकारियों ने सांप को अपने कंधे पर लटकाया तस्वीर बनवाई और वीडियो रिकॉर्ड की सोशल मीडिया पर वायरल हो गई वीडियो जिसमें शिकारियों के सांप का गोश काट कर केले के बड़े पत्तों पर रखते हुए देखा जा सके वीडियो में एक शिकारी कहता है कि भूख लग रही थी और खाने के लिए चावल मयसर नहीं थे इसलिए आज का खाना सांप का गोश होगा जो लजीज भी होता है और ताकत बख्श भी है आज तो हम सब कई दिनों बाद मिलकर दावत का मजा लेंगे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो मेहकमा तहफ जंगली हयात तक भी पहुँच गयी और शिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छापा मार कर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया याद रहे की रियासत अरुण अरुणाचल प्रदेश को सांपों का मस्कन भी कहा जाता है और यहाँ सांप के शिकार पर पाबंदी है आज की वीडियो देखने का शुक्रिया अल्लाह हाफिज